भला साहब यहाँ पर, भला साहब लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था, राहुल गांधी को खूब चेयर भी किया, उनके साथ भी चले, मजबूत हो गई है JKPCC साफ तौर पे दिख रहा राहुल गांधी के आने से। पहले भी थी, कॉमनवेल्थ पोलराइजेशन के साथ भाजपा अगर जीत के आ गई और लोगों ने महसूस किया पे एक बार वोट दे दिए, लेकिन इतनी ताकत देने के बाद उनको मिला क्या? उनको यूटी मिली, उनको डोमिसाइल मिला, उनको बेरोजगारी मिली। आज यहाँ पे आप खड़े हैं, ये सामने सारा इंडस्ट्रियल एरिया, सारी इंडस्ट्री गन फैक्ट्री वाले मैन्युफैक्चर वाले सारे हिमाचल में शिफ्ट कर गए। जम्मू के लोगों को क्या मिला, जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या मिला? हमारी लड़ाई होगी कि रियासत का दर्जा वापस मिले और हम लोग रोज़गार यहाँ पे उपलब्ध यहाँ पे करवा पाएँ और लोगों की मुसीबतों का छुटकारा दिला पाएँ। बिजली प्राइवेट, जो काम इनसे होता नहीं उसको प्राइवेट करते हैं। हमारे इलाके में हमारी एक छोटी छोटी चीज़ें भी सब लोग बाहर की हैं, RET सिस्टम खत्म कर दिया, फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट खत्म कर दी, और जम्मू में जो मिलिटेंसी का रिवाइवल है वो चिंता का विषय है। BJP बड़ी बौखलाई हुई है, रविंद्र राणा वीडियो पे वीडियो जारी कर रहे हैं, वो आप वो उनको दो जो देखते हैं कौन उसको सीरियसली लेता है। यहाँ पर साफ तौर पर कहा कि रविंद्र राणा कोई सीरियस नहीं लेता है और यहाँ पर राहुल गांधी के आने से जो JKPCC है वो बहुत मजबूत भी हुई है।